हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है 6-6 पोर्ट्रल में आपके पर्सन में क्या चेंज आया है, आपके रिलेशनशिप को देख किस नज़र से वो देख रहे हैं, इस कनेक्शन को, आपको, उनकी फीलिंग्स और थॉट। 6-6 पोर्ट्रल के बाद इस कनेक्शन में क्या चेंज है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया अगर इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं 6-6 पोर्ट्रल में आपके रिलेशनशिप में क्या चेंज आया है, मतलब कि आपके पर्सन के थिंकिंग पैटर्न में क्या चेंज आया है। आपके पर्सन 6-6 पोर्ट्रल के बाद आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, प्लीज सेंड अस अ स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। ये जो 6-6 पोर्टल आया है, ये वीनस का 6-6 पोर्टल, मतलब कि वीनस जो हमारा एक रोमांटिक लाइफ को जो लीड करता है साइन, जो हमारी फैमिली को, जिससे फैमिली देखी जाती है, जिससे मैरिज देखी जाती है, जिससे लव देखा जाता है, वो वीनस होता है। ये 6-6 पोर्टल के बाद आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं मेरे व्यूवर के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर के पर्सन की, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। 6-6 पोर्टल के ओपन होने के बाद मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोच रहे हैं इनके लिए, प्लीज एंड जस्ट स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। इस 6-6 पोर्टल के बाद मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स, प्लीज एंड जस्ट स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। 6-6 पोर्टल के बाद मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स। लास्ट शफल, देन हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 6-6 पोर्टल के बाद। आपके पर्सन बहुत डीपली यहाँ पर आपको मिस कर रहे हैं, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए डीप होते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए, डीपली इनसाइड आपको मिस कर रहे हैं। देखिए, 2 ऑफ कप्स आ गया, 10 ऑफ पेंटिकल आ गया। आपके पर्सन यहाँ पर आपको जैसे एक इन डेप्थ मिस कर रहे हैं, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा डीपेस्ट हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपके साथ इक्वल बैलेंस रिलेशनशिप पे आना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसा, हो सकता है पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा किया है, कुछ वो आपसे हाइड भी कर रहे हो, जिससे वो, जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ओपन अप होके आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, ओपन अप होके आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे, ठीक है। यहाँ पर उनकी फैमिली भी इशू हो सकती है, कोई उनका फाइनेंशियल इशू है, कोई इनकी फैमिली इशू है, लेकिन मुझे यहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी, जैसे उनका, उनका ड्रीम है आपको एक स्टेबिलिटी देना, उनका ड्रीम है आपके साथ फैमिली, अपना एक प्रैक्टिकल वे में अपने ड्रीम से बाहर निकलकर वो चाहते हैं इस ज़िंदगी को जिएं, वो आपके साथ मैरिज करें, आपके साथ फैमिली बनाएं, आपके और उनकी एक लाइफ हो, उनके किड्स हों आपके साथ, मतलब कि आपकी एक फैमिली, एक कंप्लीट फैमिली आपके साथ देखना चाहते हैं। वो इक्वली आपको एक लव करते हैं, उनको पता है आपकी बहुत डीपेस्ट फीलिंग है, जिसको उन्होंने उस वक्त समझा नहीं, लेकिन अब आपको समझना चाह रहे हैं इक्वल सेम पेज पे आकर। अब आपकी, जैसे आपको आपकी तकलीफ को, आपके पेन को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हैं, जिस तरीके से आप पास में सोचते होंगे ये पर्सन क्यों नहीं समझता मेरी तकलीफ को, क्यों नहीं समझता मैं किस कंडीशन में हूँ, मैं किस स्टकनेस का शिकार हूँ, ठीक है। ये पर्सन अब आपको अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, क्योंकि ये खुद डीपेस्ट इमोशन फील कर रहा है आपके लिए, डीपली इनसाइड ये बहुत ज़्यादा सैड है, कुछ इसने आपसे हाइड किया है तो सैड है, इसने यहाँ पर आपके साथ पास में कुछ डिसेप्शन की है तो सैड है, क्योंकि आपको एक इमोशनल, इसको ऐसा लगता है इस पर्सन का और आपका एक इमोशनल कनेक्शन है, ये आपसे जितना भी दूर हो जाए आप इसके अंदर हमेशा बने रहते हैं, आप इसके साथ हमेशा बने रहते हैं। एक वो सॉन्ग था ना, मुझे ये एनर्जी देखकर अरिजीत सिंह का वो सॉन्ग याद आ रहा है कि मैं 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, ये कुछ इस टाइप की आपकी पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन बहुत डीपेस्ट कनेक्शन फील कर रहे हैं, आप इस सॉन्ग को जाएं तो जाकर सुन भी सकते हैं, लेकिन आप जो जितनी डीप लाइंस उसके अंदर सुनेंगे ना, आपके पर्सन के उतने डीप इमोशंस हैं अब आपके लिए, ठीक है। इस पोर्टल के ओपन होने के बाद आपके पर्सन, चाहे आप दोनों कितना भी दूर हैं, आपके पर्सन आपको, उनको लगता है आप उनके आस पास हैं, ठीक है, बिल्कुल। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको, आपको यहाँ पर वॉच कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन आपके पर्सन को बेहद हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन चाह रहे हैं वो हील हो जाएं, ठीक है, वो आपसे कनेक्ट हो, हील हो जाए, उनका बर्डन ये रिलीज हो जाए, क्योंकि उनके ऊपर एक बोझ है जिसके साथ वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जिसको उन्होंने पास्ट में गलत इंसान समझ कर अपनी लाइफ से लेट गो कर दिया था, वो आपसे इस कनेक्शन से वॉक अवे कर गए थे, अब वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। उनके ऊपर इस
एक बर्डनसम सिचुएशन में है वो, बहुत ज्यादा आपको पेज की एनर्जी में लग रहे होंगे, बहुत ज्यादा जैसे इस पर्सन को जैसे कुछ फील नहीं हो रहा है अपनी लाइफ में, वो सब कुछ कर रहा है लेकिन आपके पर्सन के एक आपके पर्सन के अंदर जो है ना जैसे खोखलापन आ चुका है। आप उनकी एक एंजॉयमेंट में भी एक फीकापन देखेंगे, कुछ उनके अंदर जैसे कुछ मिसिंग हो चुका है, चाहे वो आपको कितना दिखाने की कोशिश कर लें अपनी फेक स्माइल, अपना फेक चेहरा, लेकिन फिर भी कुछ फीका पाने। आप उनको कहीं से भी सर्च करेंगे, कहीं से भी उनका सोशल मीडिया स्टॉक करेंगे, तब आपको कुछ उनके अंदर ऐसा लगेगा नहीं कुछ है ये पर्सन जो छुपा रहा है। अब आपको वो तस्वीरों में, अब आपको वो उनकी फेकनेस में भी नजर आएगा क्योंकि वो अंदर से बिखरा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको जिस जिसकी वजह से उन्होंने अपने रिलेशनशिप को डिस्टर्ब किया, जिस जिसकी वजह से उन्होंने अपने रिश्ते को तोड़ा, चाहे थर्ड पार्टी क्यों ना हो गई, सब उनको छोड़ चुके हैं, सबके चेहरे उनके सामने आ चुके हैं, ठीक है। और लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक मून में ये पर्सन है जो सबसे ज्यादा अकेला रह गया और बहुत ज्यादा अपसेट है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है जो मेरा था वो तो मैंने खो दिया, जो जो मुझे पूरा करता था उसको मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, उसको मैंने खो दिया इन लोगों के पीछे। एक यहाँ पर बिच्छू दिख रहा है, यहाँ पर डॉग्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के इर्द गिर्द आपके पर्सन घिरे हुए थे, ठीक है, जो नहीं चाहते थे आपका और उनका कनेक्शन हो। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में आपको नजर आएंगे लेकिन आप अपनी नज़र से जब उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये पर्सन कुछ है जो इसके अंदर मिसिंग है। ये अपनी फेक स्माइल भी नहीं दिखा पा रहा, आपको वहाँ पर एक रियल फेस इस पर्सन का उन फेक चीज़ों में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी 6-6 पोर्टल में मेरे व्यूवर के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर को लेकर। आपके पर्सन आपकी आपको विक्टोरियस होते हुए देख रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलत किया था तभी वो इतना एक सैड और डिप्रेशन में है। आपने यहाँ पर बहुत वेट किया, आपको डिवाइन ने यहाँ पर आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड दिया, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस दी, आप यहाँ पर बहुत पीछे रहकर भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में सक्सेस के पीछे भाग रहा था, इसने जब आपको लेट गो किया था, जब आपकी लाइफ से वॉक अवे किया था, तो इस पर्सन को ऐसा लगा था इसकी सक्सेस है, लेकिन ये आज वहाँ का वहीं खड़ा हुआ है। जब इसने आपको बिट्रे किया था उसको लगा था कि आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, आप एक इमोशनल पर्सन है, आप लोगों के पीछे हमेशा ऐसे भाग भाग के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। तो अब ये देख पा रहा है यहाँ पर उलट हो चुका है ये पर्सन इमोशंस, ये पर्सन इतना बिट्रेयल में है, इतना गिल्ट में है, ये पर्सन इतना इमोशनली अलोन हो चुका है जैसे इसको किसी की नीड है। और यहाँ पर आपने इतना गलत यहाँ पर इस पर्सन ने कहा करा आपके साथ, कहा करा इसने बिहेवियर बहुत गलत रहा, लेकिन फिर भी आप सक्सेसफुल हैं, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर, चाहे इस पर्सन से आपको कुछ ना मिला हो लेकिन डिवाइन ने आपको अदर साइड से वो रिवॉर्ड्स आपको दे रहा है। आप एक विक्टोरियस पर्सन की तरह इस पर्सन की नज़र में, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग आपको वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको अपॉलोजी देना चाहता है, जो इसने आपको वेट कराया एटलीस्ट उसकी अपॉलोजी देना चाहता है, जितना इसने आपको इंतजार कराया, जितना यहाँ पर आपने वर्क पुट ऑन कर कर इस सिचुएशन को ओवरकम होने का जितना आपने वेट किया, ये पर्सन आपको अपॉलोजी देना चाहता है उस चीज़ की, ये आपसे कनेक्ट होना चाहता है, एक बार कनेक्ट होना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, ये एक पर्सन यहाँ पे एक जैसे हॉर्स पे सवार है और उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास सब कुछ है, अब आपके पास और लोग भी हैं आप जिसके साथ चाहे कनेक्ट हो सकते हैं, अब आपको इस पर्सन की क्या ज़रूरत है। और ये खुशकिस्मत था कि आप इसका इंतज़ार कर रहे थे, ये खुशकिस्मत था कि आप इसके साथ होना चाहते थे, आपको तो किसी का भी साथ मिल सकता था, और तब कि अब आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहा है, आपको समझ पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पास में इसको आपकी वैल्यू की बिल्कुल भी आपकी वैल्यू नहीं करता था। आप जो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी आपका इसकी ज़िंदगी में आप होना कितना एक यहाँ पर गुड लक है इसकी ज़िंदगी का, ये सब कुछ ये समझने को तैयार नहीं था, ठीक है। लेट्स सी हम चेक करते हैं 6-6 पोर्टल के बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। मैंने कहा अलोन है, बहुत ज़्यादा फीकापन है, बहुत ज़्यादा एक ऐसा है जैसे इसकी लाइफ में कुछ मिसिंग सा है, बहुत ज़्यादा अकेला है, बहुत चीज़ों को डीपली एनालाइज कर रहा है, आपकी ज़िंदगी को और अपनी ज़िंदगी को कंपेयर कर रहा है, आपको इसने किसी और के साथ कंपेयर करके देखा, ये सब कुछ सोच रहा है, बहुत डीप एनालाइज कर रहा है, इसने आपके साथ क्या नहीं किया फिर भी आप सक्सेसफुल पर्सन है। इसको समझ में आ रहा है सही का रास्ता क्या है और गलत का रास्ता क्या है, अंधेरे का रास्ता क्या है और उजाले का रास्ता क्या है। इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है इस वक्त, ठीक है। इस पोर्टल के ओपन होने के बाद इसकी इसका 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 जैसे थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, ये मतलब कि इसको समझ में आ रहा है आप यहाँ पर हार कर जैसे इसने आपको हराने की कोशिश करी लेकिन फिर भी आप जीत चुके हैं,
इस पर्सन ने आपको बार बार यहाँ पर हराने की कोशिश करी, फिर भी आप यहाँ पर जीत चुके हैं, ठीक है, फिर भी आप यहाँ पर विक्टोरियस पर्सन की तरह, ये जीत कर भी हार गया ये पर्सन, इस बात को समझ पा रहा, मैं जीत सब कुछ मैंने यहाँ पर जीतने की कोशिश करी, लेकिन आज फिर भी एक यहाँ पर इसके हाथ कुछ भी नहीं आया, फिर भी ये वहीं पर खड़ा हुआ है जहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ये हार अपनी इसलिए महसूस हो रही है, आप अकेले रहकर भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फोकस हो चुके हैं अपनी लाइफ पर, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे आप अपने लिए अब कुछ सोच रहे हैं, पास्ट में आप इस पर्सन के लिए सोचते रहे, आप इस पर्सन को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहे, इसके साथ कनेक्ट होने के लिए पूरी पूरी कोशिश करते रहे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस पर्सन ने आपको अकेला इसलिए करा था क्योंकि शायद आपको यहाँ पर अब कुछ मिल नहीं सकता, शायद आप एक इमोशनल पर्सन है, आप इमोशंस में दबे रह जाएंगे, आप ना लॉजिकल होंगे ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे, जितना आप यहाँ पर सही रास्ते पे चलेंगे उतना यहाँ पर आप अकेले रह जाएंगे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसने गलत लोगों को चूज़ किया, इसने अपनी मर्जी से डार्कनेस को चूज़ किया, इसने अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी को चूज़ किया, सब कुछ इसने अपने हाथों से ख़राब किया, इसको रिश्ता मिला था एक अच्छा, एक जैसे एक एक लाइट रिश्ता मिला था जो यहाँ पर इससे जो आप लोग की जर्नी है उसके अंदर लाइट दिखाने के लिए आप इसकी तरफ आए थे, यहाँ पर आपने इसको बहुत पॉजिटिव पर्सन बनाने की कोशिश करी, इसको नेगेटिविटी से निकालने की कोशिश करी, इसको डार्कनेस से निकालने की कोशिश करी, लेकिन ये आपको समझा नहीं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप बेवकूफ़ हैं, यहाँ पर सेल्फिश होना, कोई भी इंसान किसी से भी जब कनेक्ट होता है, जब उससे कोई मतलब निकल रहा होता है, इसको लग रहा था स्टार्टिंग में तो ये लगा कि आप इससे कुछ चाहते हैं, इसने वो पता करने की बहुत कोशिश करी कि आप इससे चाहते क्या हैं, जब इसको समझ में आया कि आप इससे सिर्फ प्यार के लिए कनेक्ट हुए, इतने से दिन में आपको इतना ज़्यादा इससे प्यार हो गया, अनकंडीशनली लव हो गया, तो इस पर्सन ने सोचा कि आप फूल हैं, आप बेवकूफ़ हैं, आप एक नाकाम इंसान हैं, आपको यहाँ पर कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसने बोला नहीं, आप इसके मतलब के आप इसके कैलिबर के नहीं हैं, आप इसकी मेंटिलिटी के नहीं हैं, इसको ऐसा लगा आप तो बहुत ज़्यादा जैसा एक जो इमोश जो अपना ही सब कुछ उठा उठा के किसी को दिए जा रहा है, इतना इमोशनल, जो इतना प्यार में बह जाता है, जिसको अपने नफे नुकसान का कुछ नहीं रहता, जिसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, जो बार बार भागता रहता है, उसने बोला ये तो बेवकूफ़ इंसान है, ये तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही रुलेगा, मैं थोड़ी रुलूंगा इसके साथ, इसने आपको लेट गो कर दिया, अब ये देख रहा है इतना कुछ करने के बावजूद आप फिर एक अपनी लाइफ में एक लाइट में है, लोग आपको समझते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आपको सक्सेस मिल रही है, इसने जहाँ सोचा था कि आप वहीं खड़े रहेंगे, आप इससे कहीं ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री पा रहे हैं, ठीक है, आप विक्टोरियस पर्सन की तरह हैं, इस पर्सन को इतना ज़रूर समझ में आ गया है कि इसने आपको अपना असली चेहरा दिखा दिया, आपने इसको अपना चेहरा दिखाया था कि आप एक लॉयल और ऑनेस्ट इंसान है, इस पर्सन को ये समझ में तो आ गया कि इसने आपको जो अपना चेहरा दिखाया आपने इससे मुंह मोड़ लिया, इसकी जो भी एक्टिविटीज रही आपके साथ, तो इसको इस तरीके से लगा कि यहाँ पर ये फर्क आ गया कि आप कोल्ड हो चुके, आपने अपने अपने आप को रिजर्व कर लिया इस पर्सन की तरफ से, ठीक है, आपका जो ये कॉइन ऑफ सोर्ड है ना, आपने खुद को रिजर्व कर लिया इस पर्सन की तरफ से कि आप वैसे भी एक चूजी पर्सन है, बहुत कम लोगों को आप चूज करते हैं अपनी लाइफ में आना, उनके साथ कनेक्ट होना, अब आप इससे इतना डिस्टेंस पे आ गए, आप समझ गए आपके लिए ठीक इंसान नहीं है, इस पर्सन ने ये साबित किया, ठीक है, आपकी आंखें खुली, आपको सब समझ में आ गया आपके साथ क्या हो रहा था, आपने खुद को रिजर्व कर लिया, आपकी आदत नहीं बदली, अब वही इमोशनल पर्सन है, वही काइंड हार्टेड पर्सन है, ये पर्सन कोई हेल्प भी मांगने जाएगा ना, उसको पता है आप इसकी हेल्प कर देंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे ना कि पास वाला ट्रस्ट कर लो एक बार मेरे ऊपर, ये पर्सन जानता है अगर मैं कहूँ ना इसको जाके पास वाला ट्रस्ट कर लो मेरे मेरे ऊपर एक बार, ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो प्यार वो दिल से निकल रहा था, वो दिल से चाहत थी जो ये मुझे दे रही थी, मतलब कि आपके पर्सन बहुत डीप सोल सर्चिंग में, आपकी सोच से भी ज़्यादा डीपली इनसाइड ये पर्सन परेशान है और हर्ट है, इसने कैसे इंसान को खो दिया जो इसको ऐसा मिला था, डिवाइन की तरफ से डिवाइन गिफ्ट था, इसने पता नहीं क्या अच्छाई की थी जो आप इसकी जिंदगी में आके कनेक्ट हुए थे, ठीक है, इसको पता है ये, अब यहाँ पर वो मैं आपको सॉन्ग बार बार, मुझे याद आ रहा है, मुझे बार बार एक सॉन्ग याद आ रहा है, मैं 100 जन्म भी देखती और वो तेरा रास्ता, मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब मैं 100 जन्म भी बैठूंगा तो मुझे ऐसा पर्सन नहीं मिलने वाला, मैं 100 100 जन्म भी इसका ऐसे का इंतजार करूं तो मुझे ऐसा नहीं मिलने वाला, ना रिलेशनशिप ना ऐसा पर्सन, ठीक है, 6-6 पोर्टल के बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत डीपली डीप इमोशंस हैं आपके पर्सन के, इस पोर्टल के बाद आपके पर्सन
को सब रियलिटी समझ में आ रही है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। आप वो सॉन्ग सुन सकते हैं, नाइट ऑफ सूट। ये पर्सन बहुत ज्यादा कोल्ड है, आपको आपके ये जो कुछ भी फील कर रहा है, जितने भी इमोशंस फील कर रहा है, ये इसलिए कोल्ड है, इसको फेयर है, ये रिश्ता अब नहीं बन सकता। ये आप इसके साथ पास्ट की तरह नहीं होंगे वापस, आप पास्ट की तरह इसके साथ लॉयल और ऑनेस्ट नहीं होंगे। जो आपको इसकी आपको जो इसकी रियलिटी पता चली है, बहुत ज्यादा हर्ट है ये सब चीजें सोचकर। इसने आपको हर्ट किया, ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है। इसने आपका दिल दुखाया है, ये बात जानता है। इसने आपको हर्ट किया है, ये बात ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इसको पता है। अब इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप इसको हर्ट ना कर दें। अगर इसने आपके अपने इमोशंस आपको बताने की कोशिश करी, अगर ये अपने आप को उससे प्रोटेक्ट नहीं करा, तो मतलब कि इसकी जो इसका जो ईगो है वो तो गया, इसकी इज्जत भी गई, और ये अपने आप को बिखरने से भी रोक नहीं सकेगा, ठीक है। क्योंकि अब इसको पता है ये हिम्मत सिर्फ आप रखते हैं इसको हर्ट करने की, और इस टाइम में कोई भी ऐसी हिम्मत नहीं रखता। ये सबके चेहरे जान चुका है, इसने जैसे सबसे मुंह मोड़ा है ना, आपने भी इसका चेहरा जान के इससे मुंह मोड़ लिया। ये बहुत अच्छे तरीके से समझता है, जितना आप इसको तोड़ सकते हैं, जितना आप इसको हर्ट कर सकते हैं, जितना आप इसकी जिंदगी का नासूर बन सकते हैं, जितना आप इसको तबाह कर सकते हैं, कोई और इंसान नहीं बना जो इसको तबाह करने वाला बना हो, ठीक है। वो कहते हैं ना, किसी गैर की तकलीफ से दर्द नहीं होता, जब कोई अपना तकलीफ देता है, इसको उस चीज का डर है। ये आपको समझ चुका है, आप इसके बहुत अपने थे, आपने इसकी सिर्फ इसके इसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी चाहिए, आपने सिर्फ चाहा कि ये इसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, ये अपनी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल चीज़ों पे आ जाए, ये अच्छे रास्ते की तरफ आ जाए, ये अच्छी चीज़ों को चूज करे, ये ब्लैक एंड व्हाइट में फर्क जाने, आपने ये फर्क जान इसको पहचानने की कोशिश करी। बहुत जैसे इमेच्योर पर्सन है, ट्रेंडिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड को फॉलो करता है, गर्लफ्रेंड्स हो गई, यहाँ पर जैसे लोगों के साथ कनेक्ट होना, बॉयफ्रेंड हो गया, जैसे लड़की है अपने अपनी अपने आप जेंडर के हिसाब से नहीं, गर्लफ्रेंड हो गई, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ कि इसने ऐसे लोगों को कनेक्ट करना है, उसको ट्रेंडिंग लोग बना रहे हैं तो मैं भी बनाऊंगा, लोग हैंग आउट कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, लोग यहाँ पर एक नेगेटिव रिलेशनशिप बना रहे हैं तो मैं भी बनाऊंगा। तो मतलब कि वो ट्रेंडिंग, इमेच्योरिटी, यहाँ पर फ्लर्टिंग नेचर, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग करना, फ्लर्ट बेस्ड कंडीशंस लगाना। तो इस पर्सन को ऐसा क्या लगता था, ये जिंदगी है, यही टाइम है मेरा, मैं ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। सिक्स सिक्स पोर्टल के बाद आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी, सिक्स सिक्स पोर्टल के बाद आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी, थ्री ऑफ पैंटिकल। ये वर्क करना चाहता है, ये आपके साथ काम करना चाहता है, मतलब कि शायद ये किसी काम के थ्रू आपसे कनेक्ट होना चाहता है ये पर्सन, या मतलब कि किसी ऐसी चीज के थ्रू जिससे आपको बहुत ज्यादा अंदाजा ना हो, ये आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, या ये बस आपके साथ हल्का पुल्का सा कोई कनेक्शन चाहता है। लेट्स सी, हम चेक करेंगे यहाँ पर ये क्या है, थ्री ऑफ पेंटिकल। बिल्कुल बैलेंस करना चाह रहा है ये आपके साथ रिलेशनशिप पे, वर्क करना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहा है ये, लेकिन इसके पास कोई रास्ता नहीं। इसको करना क्या चाहिए, इसको ये करने के लिए क्या कर सकता है, टेन ऑफ कप्स। ये आपको अपने इमोशंस सोच रहा है, शायद ये आपको प्यार से मना सकता है बस, और किसी चीज़ से नहीं, आप बहुत अपनी पावर में है, ये आपको अपना लव एक्सप्रेस कर कर मना सकता है शायद, ठीक है। अपना अपना आपके साथ लव, प्यार, अपने इमोशंस दिखा कर, सिर्फ एक प्यार है शायद ये, जिससे आपको मना सकता है, अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकता है, ठीक है। सिक्स सिक्स पोर्टल के बाद मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, इस सिक्स सिक्स पोर्टल के बाद एम्प्रेस एडमायर कर रहा है, बेहद एडमायर कर रहा है, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको लोग आपको आपकी आपका लक चेंज हो चुका है, ये पर्सन देख रहा है आपका लक बदल चुका है, आपकी बिल्कुल यहाँ पर आपकी एक पावर अट्रैक्शन, आपका वो नेचर भी नहीं गया है, लेकिन आप यहाँ पर सही गलत की पहचान करना सीख गए। आप ऐसे लोगों को अपना वक्त नहीं देते जो आपका वक्त खराब करें, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है, पर्सन आपको देख रहा है, आप तभी यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप अपना गलत जगह टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ में इसलिए इतना विक्टोरियस हो रहे हैं, इतना आप यहाँ पर लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट में हैं, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना उस जगह टाइम इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से आपको कुछ गेन हो सके, ठीक है। ये सोच रहा है आपकी ज़िंदगी में एक फॉर्च्यून आया है, आपकी ज़िंदगी में जैसे जैसे कुछ आपका लक चेंजिंग, आपका जैसे एक गुड लक स्टार्ट हुआ है, आपका कुछ
कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में आपका जैसे तकदीर ने कोई पलटा खाया, कोई तकदीर की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट्स मिले, जो आपको नसीब की तरफ से कुछ ऐसा मिला है जो आपकी ज़िंदगी बदल के रह गई है। मनी वाइज यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वाइब मिल रही है, आप अर्निंग कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं मनी वाइज, आपको ऐसे सक्सेस नहीं मिल रही, आपको यहाँ पर आपकी लाइफ में मनी है, रिस्पेक्ट है, इज्जत है, पैसा है, जिसको आप पास में सोचते थे कि शायद ही कभी होगा, शायद ही आप कभी अपना अर्न कर सकेंगे, कुछ ऐसा है जो ज़िंदगी में आपके लिए एक शायद था, वो सच है। ठीक है, अब इस पर्सन को या पर्सन आपको दूर से बहुत ज्यादा सर्च स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख पा रहा है अपनी जिंदगी में, आप यहाँ पर विक्टोरियस सक्सेसफुल पर्सन की तरह है। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि टेन ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल आपके पास एक लातादात मनी आ रहा है, आप अपनी लाइफ में मनी के लिहाज से बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, सक्सेसफुल आप मनी के लिहाज से बहुत हो रहे हैं, बहुत जल्द आप जैसे एक लाइट में आ रहे हैं, सक्सेस में आ रहे हैं। ये पर्सन ऐसा हो सकता है इस वजह से भी कनेक्ट करना चाहता है, आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, आपकी लाइफ ग्रोथ कर रही है, आपकी लाइफ में सक्सेसफुल चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एक सक्सेसफुल पोजीशन पे हैं। ठीक है, आप एक लाइट में, आप एक स्टार की तरह चमक रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ टू ऑफ कप्स चाहता है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, टू ऑफ कप्स बैलेंस, ये आपके साथ एक बैलेंस करना चाहता है यहाँ पर, ये आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। ये पर्सन जानता है आपको जस्टिस चाहिए, अगर ये पर्सन आपको जस्टिस दे दे कि आप इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में, डीप एनालाइज में सोच रहा है, मेंटली स्टकनेस है, मेंटली ब्लॉकेज है, उससे बाहर आना चाहता है ये पर्सन। आपकी अट्रैक्शन इसको पागल कर रही है, आपकी अट्रैक्शन इसको डर डाल रही है कि आपको ये खो देगा, अब खो देगा, आपके पास पैसा भी है, खूबसूरती भी है, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में बिगनिंग्स कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक लाइट में, अपनी लाइफ में एक अचीवमेंट्स में आप। ठीक है, ये पर्सन आपको खो देगा। वेट, अजान हो रही है। ठीक है, यहाँ पर 6-6 पोर्टल में आपके पर्सन यहाँ पर आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, टू ऑफ कप्स के साथ आपके इमोशन, मैंने आप ये रोल देखें, मून एंड स्टॉकिंग चल रही है, आपके लिए इमोशंस इतने हाई हुए हुए हैं, आपके साथ इमोशनली इतना यहाँ पर कनेक्शन बन रहा है, एक फील कर ये पर्सन कर रहा है, इतने इमोशंस आपके लिए डीप हुए हुए हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। ये पर्सन जानता है आप जस्टिस लवर हैं, अगर ये पर्सन आपको जस्टिस देता है, अगर ये पर्सन आप जो डिजर्व करते हैं आपको प्रोवाइड करता है, जो आपको देता है, आप इस कनेक्शन को, आप भी इधर कनेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आप भी एक हीलिंग एनर्जी में आएंगे। सबसे पहले ये पर्सन आपको हील करना चाहता है, सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद, ये पर्सन जानता है आप जस्टिस लवर हैं, अगर ये आपको जस्टिस देता है, इस कनेक्शन में कुछ बन सकता है। 6-6 पोर्टल के बाद इस पर्सन का इतना माइंड क्लियर हुआ है कि आप जस्टिस को पसंद करते हैं, अगर ये पर्सन आपको जस्टिस प्रोवाइड करे तो ये इस रिलेशनशिप में हीलिंग आ सकती है, ये रिश्ता आगे की तरफ बढ़ सकता है, 10 ऑफ पेंटिकल की तरफ जा सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बना रहा है, मतलब कि 6-6 पोर्टल के बाद बहुत ज़्यादा इसके जैसे दिमाग के खाने खुल रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी बना रहा है। ये पर्सन सबसे पहले आपको समझने की कोशिश कर रहा है, आप यहाँ पर फेयर होके चले, अगर ये पर्सन आपके साथ फेयर हो जाए इस कनेक्शन में, इसको एक और चांस मिल सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस पर्सन का एक्शन क्या रहेगा, लेट्स सी, हम चेक करते हैं इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा। ये अपनी विश को कम ट्रू करना चाहेगा, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, बिल्कुल, ये आपको स्टेबिलिटी, अगर यहाँ पर आप इससे स्टार्टिंग से स्टेबिलिटी मांग रहे हैं, यहाँ पर आप इससे रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, ये अगर आप चाह रहे हैं रिश्ते में काम करें, तो इसका नेक्स्ट सेक्शन रहेगा आपके साथ कनेक्ट होना, आपकी विशेष को फुलफिल करना और आपको स्टेबिलिटी देना। अब यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए फाइट करेगा, ठीक है, आपके लिए फाइट करने को तैयार होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं आगे जाके, ये आपके लिए लोगों से फाइट करना चाह रहा है, बिल्कुल आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको आपके लिए ऑप्शंस ओपन अप हो रहे हैं। ये पर्सन इतनी देर लगा दी इसने, यहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा किसी को कनेक्ट करना। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, बिल्कुल, ये स्ट्रेंथ गैदर करके आपको कोई टेक्स्ट या कॉल कर सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, और यहाँ पर आप हैं सिंगल, इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा एक लग्जूरियस पर्सन, जो अपनी लाइफ में अपना सब कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके से कैरी कर रहा है और अपनी लाइफ में बैलेंस बना चुका है। ठीक है, ये आपने बैलेंस अपने बल पर बनाया है। 4 ऑफ वैंड्स, आप मैरिज के लिए रेडी हैं, अपनी लाइफ में मैरिज को यहाँ पर आप मैरिज को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप एक डिवाइन की तरफ से एक मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं डिवाइन आपको आपका सोलमेट दे, आप यहाँ पर खुद नहीं ढूंढ रहे। ठीक है,
आपके मन पसंद पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में, जिसकी जिसकी तरफ से बिल्कुल रिकंसाइलेशन आपको इस पर्सन की तरफ से नेक्स्ट 48 आवर्स में मिल सकता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा समझ रहा है कि आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये पर्सन आपके ऊपर आपके साथ हैंग दे। लेकिन 6-6 पोर्टल में ये बात समझ में आ रही है इस पर्सन को, अगर यहाँ पर ये आपके साथ लॉयल हो जाए, ऑनेस्ट हो जाए, इस कनेक्शन में होप नज़र आ रही है, इसको किसी ने समझाया है ये बात, इसको समझ में आई है, अगर ये आपके साथ ऑनेस्ट हो जाए, कन्फ्यूजन से बाहर आ जाए, डिप्लोमेसी से बाहर आ जाए, ये किसी यहाँ पर इन सब अपनी चीज़ों की एंडिंग कर दे, तो ये आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप में आ सकता है। आप इसके ऊपर यहाँ पर एटलीस्ट आपको अगर ये हील करे, आप इसको यहाँ पर ये पर्सन अगर आपको यहाँ पर ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करे, अगर यहाँ पर एफर्ट लेने की कोशिश करे, तो आप इसके ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मुझे एनर्जी लग रही है, एक स्टॉकिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं से आप भी स्टॉक कर रहे हैं इस पर्सन को, और कहीं ना कहीं से ये पर्सन भी स्टॉक कर रहा है आपको। हैंगमैन सिचुएशन है, लेकिन ये हैंगमैन से निकलना चाहता है, ये हैंगमैन मुझे आपकी तरफ नहीं लग रहा, आपकी सोचों में हैंगमैन नहीं है, आप अपनी अपनी जिंदगी की तरफ रवा दवा है, ये पर्सन हैंग दे आप। ठीक है, आपने लाइफ में ऐसा ऑप्शन ऐसा ऑफर चाहते हैं डिवाइन से, आप प्रेयर कर रहे हैं आपको आपका सोलमेट दे, जो आपको समझे, ऐसा इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, आपकी लाइफ में ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको यहाँ पर अपने चूज करने का मौका मिलेगा, आपको इस पर्सन के साथ जाना है या किसी और के साथ जाना है। ठीक है, ये पर्सन स्ट्रेंथ गैदर करके आपकी तरफ आएगा, ग्रेविटी, ग्राउंडिंगनेस, आपकी लाइफ में जो ग्राउंडिंग ग्राउंड आपकी लाइफ में जो एक बेस नहीं थी ना, वो बेस आ रही है आपकी लाइफ में, जो एक जैसे बुनियाद नहीं थी ना, यूनिवर्स आपको अब ऐसा कनेक्शन देंगे जिसके जिसके अंदर एक बाउंडिंग होगी। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये साइलेंस खत्म होने वाला है आपकी लाइफ का, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जैसे आप उस सामने वाले पर्सन में भी वही चाह देखेंगे जो आप में होगी, उस रिश्ते को बनाने की, जॉय एंड म्यूजिक। देखें, फिर सॉन्ग की बात आ गई, वो सॉन्ग आप ज़रूर जाके सुन सकते हैं, कहीं ना कहीं जॉय एंड म्यूजिक, म्यूजिक से आपका कोई कनेक्शन है, वो म्यूजिक कुछ जो मैं सॉन्ग आपको बता रही हूँ वहाँ पे आपको कोई मैसेज इस पर्सन का कन्वे हो रहा है, आप उस मैसेज को सुने 6-6 पोर्टल के बाद, वो उस सॉन्ग में ये पर्सन कुछ आपको मैसेज कन्वे कर रहा है। ठीक है, आप वो सॉन्ग सुन सकते हैं। ठीक है, मून, यहाँ पे 2 दफ़ा मून है, और डीपेस्ट इमोशंस फिर मुझे दिख रहे हैं, डार्कनेस, ये पर्सन किसी फेयरफुल एनर्जी से गुजर रहा है, अब आपको खोने के डर से गुजर रहा है, मून 2 दफ़ा आ चुकी है, एक मून की एनर्जी है, डीप डीप थॉट, यहाँ पर एक जैसे फेयरफुल कंडीशंस इस पर्सन के सामने आ चुकी है, पर्सन आपको खोना नहीं चाहता, यहाँ पे मून की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे एडवेंचर, एक न्यू एडवेंचर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, ये पर्सन आपको न्यू एडवेंचर, इट मीन्स एक ये पर्सन अब आपको चेस करने वाला है, जबरदस्त एडवेंचर, आप कंफर्ट से बैठेंगे, अब अपनी लाइफ में आप कंफर्ट, हेल्थ एक्सपीरियंस करेंगे, अबंडेंस। यहाँ पे मैं मून का कार्ड दिखा दूँ, देखिए स्टार्टिंग में मून आया था, और ये भी मून 7 नंबर से आपका कोई कोई आपका कनेक्शन हो सकता है, 11 से 2 से 30 से 3 से। ठीक है, ये कनेक्शन आपका हो सकता है, यहाँ पर है डार्कनेस मून, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको मून दिखाया, और यहाँ पे एक दो मैसेज मुझे दोबारा मिले मून से, एक डीप इमोशंस, डीप रियलाइजेशंस, और फिर सेकंड यहाँ पर मून से मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है, आपके पर्सन यहाँ पर फेयरफुल हैं, जो भी उन्होंने आपसे हाइड किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, उसको लेकर जो आपके सामने आया, जो उन्होंने अभी आपको नहीं बताया, बहुत फेयरफुल है कि आपको जिस तरीके से चीज़ें आपके सामने आई, अगर वो बताते उनका तरीका कुछ और होता, यहाँ पे म्यूजिक से ही पर्सन आपको उस सॉन्ग में कोई यहाँ पर मैसेज दे रहा है, और आपका म्यूजिक से इस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन बनता रहता है, आपको जो भी इसकी फीलिंग्स का अंदाज़ा होता है वो म्यूजिक से होता है। डार्कनेस और मूड, यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, आपके पर्सन को सब कुछ खोने के बाद फिर अंदाजा हो रहा है आपके पार्टनर ने क्या खो दिया अपनी जिंदगी में, स्टॉकिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा स्टॉक किया जा रहा है, ये पर्सन अगर यहाँ पर आपकी तरफ किसी भी तरीके से आए, तो उससे आप फाइट मत करिएगा, आपके लिए चैलेंज होगा फाइट, पुरानी बातों पे दोबारा बात करना। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन, यहाँ पे देखिए फाइट, और ये बर्डन सम बना देगा आपके दोबारा रिश्ते को, यहाँ पर चैलेंज रहेगा पास्ट के बारे में बात करना, मिस्ट्रीज के बारे में बात करना, जितनी ये पर्सन बात करे बात करें, अगर ये बात नहीं करना चाहे पास्ट मिस्ट्रीज के बारे में, पास्ट चीज़ों के बारे में, तो एक साइलेंट हो जाए। ठीक है, वो वक्त पे अनफोल्ड हो जाएंगी चीज़ें, आप लोग के बीच वैसी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, यहाँ पर आपके लिए जो चैलेंज रहेगा किसी कन्फ्यूजन पे बात करना, किसी किसी पास्ट फाइट पे बात करना, उसके ऊपर आप साइलेंट हो जाएं, आपके लिए एडवाइस है, चैलेंज आपके लिए यही है, मैंने चैलेंज भी बता दिया, एडवाइस है साइलेंट हो जाएं, आप अपनी इंट्यूशन से आप जितना समझ रहे समझ जाएं, अपनी इंट्यूशन को सुने और साइलेंट रहें, कोई एक्शन मत लें, इस पर्सन को आने के मौका दें, और ये आएगा, अब न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है, ये पर्सन आपको चेस करेगा, आपको कंफर्ट देगा, आपको लव देगा,
ये अब आपको खोने से डर रहा है, क्योंकि आप विक्टोरियस पर्सन की तरह आपके ऊपर काम जितना करे जा रहे हैं ना, आप सक्सेस हासिल करे जा रहे हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। मिस रीडिंग को ये तरह की रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।